आप एक गेम खरीदना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने पापा से 500 रुपये मांगते हो और अपनी मॉम से 500 रुपये मांगते हो, तो कितने मिले आपको टोटल? 1000। और गेम जो है वो है 970 का। तो आप गए दुकान में, आपने गेम खरीदा और आपको वापस आपने 1000 दिया उसको और आपको मिलके 30 रुपीज वापस। अब आप इस 30 रुपीज में से 10 रुपीज आप अपने पापा को दे देते हो और 10 रुपीज आप अपनी मॉम को दे देते हो और 10 रुपीज अपने पास रखते हो। तो अब आपके जो फादर है उनके पास जो आप उसको ओ करते हो वो कितने हुए? वो हुए 490। सिमिलरली आपकी मॉम के पास कितने हुए? 490। तो आप जो टोटल ओ करते हो कितना है? 980। और आपके पास 10 रुपीज है, 990। तो 10 रुपीज कहां गए? क्या आप बता सकते हैं कि ये 10 रुपीज कहां गायब हो गए इस पूरे प्रोसेस में? आप चाहिए तो वीडियो को स्टॉप करके सोच के देखिए कि एक्चुअली 10 रुपीज कहां गए, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली 10 रुपीज की मिस्ट्री हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम गलत जगह एट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको हम एक तरीके से समझते हैं कि जैसे कैश फ्लो कैसे हो रहा है। एक बार आपको वो समझ में आएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली मनी कैसे मूव कर रहा है और हमको जो रास्ते में जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से देखनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से ये आपके फादर है, ये आपकी मॉम है और ये आप हो। तो सबसे शुरू में क्या सिचुएशन थी? 500 रुपीज इनके पास थे, 500 इनके पास थे, आपके पास 0 थे, टोटल 1000 था। अब क्या हुआ, उन्होंने आपको 500 रुपये दे दिए, मॉम ने आपको 500 रुपये दे दिए, तो ये हो गए 1000, जो कि 1000 के बराबर है। अब आपने क्या किया, आपने बेसिकली जाके दुकानदार को 1000 रुपीज दिए और उसके बदले में उसने आपको क्या दिया, उसने आपको दो चीजें दी। ये ध्यान देने वाली बात है, उसने आपको एक गेम दिया जिसकी अब वैल्यू है 970 रुपीज और उसने आपको 30 रुपीज लौटा है। तो जो एक्चुअली जो मनी का फ्लो है वो इस तरीके से है कि इस वक्त 970 रुपीज का गेम है आपके हाथ में और 30 रुपीज आपके पास कैश है, टोटल स्टिल इज 1000। अब आप क्या करते हैं, आप 10 रुपीज अपने फादर को दे देते हो, 10 रुपीज मॉम को, 10 रुपीज अपने पास रखते हो, 970 का गेम है। तो ये हो गया टोटल। ओके, तो जो हम बोल रहे हैं वो आप जो उनको ओ करते हो वो ओ करते हो 980, क्योंकि आप इनको वो करते हो 490 और मॉम को वो करते हो 490, तो दोनों का सम है 980। ओके, और ये 980 किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वो आपने अब खर्च किया हुआ है। तो इस तरीके से आप समझो कि अगर वो आपको 490 देते तो आपके पास 980 होते, आप 970 का गेम खरीदते और 10 रुपीज आपके पास होते। तो ये क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूजन होता है कि हम गलत जगह एट्रीब्यूट कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कोई मनी कहीं लॉस नहीं हुई है, इट जस्ट हैज गॉन इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। तो इसको हम यहीं आज स्टॉप करेंगे। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।